अपवर्क पर अकाउंट बना लिया, प्रोफाइल भी अपडेट कर ली, लेकिन अब काम कैसे ढूंढें, क्योंकि यहाँ पर तो गिग बनाने का भी ऑप्शन नहीं है, ना ही सर्विस को लिस्ट करने का ऑप्शन है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज ये वीडियो आपको कम्प्लीटली देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपवर्क पर वर्क कैसे ढूंढें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की इस डायनेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने करियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अभी ज्वाइन करें WS Cube Tech का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड बैच। इन बैचेस में आप सीखेंगे प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल एंड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग विद अ वैलिड सर्टिफिकेशन, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। इन बैचेस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इसी के साथ साथ काफी सारे पेड टूल्स का एक्सेस भी, आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, उसी के साथ डाउट सेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी कनेक्ट करेगी। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। तो देखिए, इससे पहले हमने बात की थी कि प्रोफाइल कैसे बनाए अपवर्क पर, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करें, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज हम काम ढूंढने वाले हैं अपवर्क पर, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ पर हैं, वर्क ढूंढने, काम ढूंढने, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ शेयर करी थी कि अपवर्क पर जब भी आप एक क्लाइंट को किसी भी सर्विस के लिए अप्रोच करते हो कि आपका ये काम है, जैसे क्लाइंट ने अपना काम डाला वहाँ पर कि मुझे ये काम करवाना है, आप उसको अप्रोच कर रहे हो कि भाई मैं आपका ये काम कर दूंगा, क्लाइंट अपना बजट डालता है, आप कई बार ऐसा भी होता है बजट नहीं भी डालता, तो आप इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप उसको बिड करते हो कि भाई इतने रुपए में या फिर इतने पैसे में या इतने डॉलर्स में मैं आपका, वैसे डॉलर्स होता है, तो इतने डॉलर्स में मैं आपका काम जो है ये खत्म कर दूंगा, इतने दिन में खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप क्लाइंट को एक अप्रोच करते हो ना, तो जो अपवर्क है वहां पर आपको कुछ कनेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। कनेक्ट्स मतलब यूं समझ लो पॉइंट्स, जैसे हम गेम खेलते हैं तो उस गेम में कोई भी नया आइटम परचेज करने के लिए हम पॉइंट्स स्पेंड करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर अपवर्क पर कनेक्ट्स होते हैं। तो जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो वो डिपेंड करता है उसकी डिफिकल्टी पर, उसकी कितने पैसे आपको उससे मिल रहे हैं, कितने डॉलर्स आपको उससे मिल रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो कनेक्ट्स होते हैं। जैसे कोई जॉब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको 2 कनेक्ट भी स्पेंड करने को वो बोल सकता है, या 3 कनेक्ट या 4 कनेक्ट, तो आपके पास लिमिटेड ही जो कनेक्ट्स होते हैं। कनेक्ट्स आप और परचेज भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करो कि जो फ्री वाले कनेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है अभी सिर्फ उन्हीं से काम चलाओ और उन्हीं कनेक्ट से ज्यादा जॉब्स ग्रैब करने की कोशिश करो, जिससे कभी भी हमें पे करने की जरूरत ना पड़े कनेक्ट्स खरीदने के लिए, ठीक है। तो अभी जैसे कनेक्ट्स देखने कैसे हैं वो यहाँ पर, जैसे रिपोर्ट वाला सेक्शन है, रिपोर्ट्स वाले में कनेक्ट्स हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि टोटल अभी मेरे पास 50 कनेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी जस्ट मेरा फ्रेश अकाउंट है एकदम, ठीक है। तो ये 50 कनेक्ट्स मुझे मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑलराइट। और अगर आपको कनेक्ट्स खरीदने हैं तो आप यहाँ पर बाय कनेक्ट्स पर क्लिक करके कनेक्ट्स यहाँ पर खरीद भी सकते हो, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर 10 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे $1.5 के, ठीक है। तो मेक श्योर करो आप कनेक्ट्स जो हैं, कनेक्ट्स इज नॉट मनी, कनेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके टोकन्स हैं, पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो चुकी है, आपकी प्रेजेंस यहाँ पर बन चुकी है अच्छे से, अब यहाँ पर आपको जॉब्स ढूंढनी है, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, हम फाइंड वर्क के लिए यहाँ पर आए हैं, सो सर्च करेंगे अपनी जॉब से रिलेटेड। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ में जस्ट एक सिंपल एग्जांपल सर्च कर रही हूँ, यूट्यूब, जैसे मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया, वैसे आप इसको स्पेसिफिक भी कर सकते हो भाई, जैसे यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब ग्रोथ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर एक जैसे जॉब आई हुई है, आप देख सकते हो टोटल मेरे को 12,000 से भी ज्यादा जॉब्स मिली हैं, जैसे कि यूट्यूब एक्सपर्ट इनको चाहिए, लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प अस गेट मोर रीच विद यूट्यूब वीडियोस, कीवर्ड रिसर्च दिस आई लाइक दिस, और इनका बजट जो है $10 से लेकर $30 तक आवरली है, ठीक है। उसी के बाद में अच्छा यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, जब आप नए हो ना फ्रीलांसिंग फील्ड में तो पेमेंट वेरीफाइड ये ऑप्शन है, मतलब ये जो क्लाइंट है ना इसका पेमेंट वेरीफाई कर चुका है अपवर्क, तो मतलब यहाँ पर स्कैम के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर करो कि स्टार्टिंग के टाइम में उन्हीं क्लाइंट से आप कांटेक्ट करो, उन्हीं क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट करो जिनका पेमेंट वेरीफाइड है, ठीक है। वैसे हम जैसे जैसे काम करते जाते हैं हमें एक्सपीरियंस होता जाता है कि हाँ यार ये बंदा फेक है, स्कैमी है या फिर समथिंग लाइक दैट। तो अभी के लिए आप ये छोटी सी टिप मेरी याद रखना, पेमेंट वेरीफाइड जहाँ पर आया वो कीजिए। अभी तक ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये $10,000 से भी ज्यादा स्पेंड कर चुका है अपवर्क पर, मतलब $10,000 का काम ले चुका है अपवर्क पर, ठीक है। मतलब इसने काम करवा चुका है लोगों पर, ठीक है, लोगों से काम करवा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी जैसे आपके पास ये सारे काम आ रहे हैं आप इनको कर सकते हो, काफी सारे फिल्टर्स हैं आप इनको चूज कर सकते हो, भाई फिक्स प्राइस वाले, आवरली बेसिस वाले, एक्सपीरियंस लेवल वाले,
क्लाइंट इन्फो, नंबर ऑफ प्रपोजल्स, नो हायर, समथिंग लाइक दैट, सब कुछ आप कर सकते हो. इवन आप क्लाइंट की लोकेशंस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो. अगर आप चाहते हो सर आपको इंडिया के ही क्लाइंट्स बने, चाहते हो आप यूएस के क्लाइंट्स बने, तो वो भी आप कर सकते हो. ठीक है, तो जैसे हम एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर करेंगे, जैसे ये यूट्यूब एक्सपर्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस जॉब की डिटेल आपको आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अदर डिजिटल मार्केटिंग वाला फील्ड है ये, इसमें क्या इनको चाहिए कि भाई यूट्यूब वीडियोज़ पर जो काम कर सके, ये सारी चीज़ें हमें कर सके. उसके लिए मोर देन 30 आवर्स ऑफ वीक इन्हें चाहिए होंगे. ठीक है, 30 आवर्स ऑफ वीक ये चाहिए होंगे, ये इनका बजट है. 1 to 3 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है. इंटरमीडिएट मतलब एक एक्सपीरियंस पर्सन भी हो तो इंटरमीडिएट लेवल का इनको एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए. स्किल्स और एक्सपर्टीज ये सारे उस पर्सन के होने चाहिए. ठीक है, प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और ये उस क्लाइंट की जो है हिस्ट्री है. ठीक है, जो भी प्रीवियस जिन लोगों ने इनके लिए काम किया है उनकी ये हिस्ट्री आई हुई है. उसके अलावा यहाँ पर इनको जॉब का लिंक, इस जॉब का लिंक है तो आप इसको सेव करके भी रख सकते हो, सो दैट बाद में आप इसको कंसिडर कर पाओ. तो यहाँ से भी हम सेव जॉब इसको कर देंगे, सो दैट बाद में जब हमें टाइम मिले या फिर जब हम इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसको वापस से अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है कि भाई मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, आई कैन वर्क फॉर यू. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा आ गया कि भाई कितने कनेक्ट्स आपको यहाँ पर स्पेंड करने हैं. मतलब इस जॉब को अगर मैं अप्लाई करूंगी तो 6 कनेक्ट्स मुझे स्पेंड करने हैं और फिर उसके बाद में मेरे पास 44 कनेक्ट्स रह जाएंगे. अब देखो ये यहाँ पर अगेन जो आपकी जॉब डिटेल्स है वो आ चुकी हैं, एक्सपर्टीज आ चुके हैं, टर्म्स. अब ये आपकी टर्म्स हैं. ठीक है, कि आवरली रेट आप इनको क्या कोट करना चाहते हो. जैसे हमने $5 डाला हुआ है तो आप इसको यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि क्लाइंट का बजट ज्यादा है. जैसे मैंने $15 एन आवर कर दिया. अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी स्टिप दूंगी, इसको थोड़ा सा कम से कम ही रखो. जब आप एक फ्रेशर हो, अच्छा खासा आपने काम कर लिया है, करीब 10-15 क्लाइंट्स आपने हैंडल कर लिए हैं वर्क पर, उसके बाद में आप क्लाइंट के बजट का जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां पर हिट करो. ठीक है, अभी मैं मिड पॉइंट हिट कर रही हूँ, मतलब $10 से लेकर $30 तक क्लाइंट की मतलब लिमिट है. तो मैं $15 उनको कोट कर रही हूँ कि ठीक है भाई $15 मैं काम कर दूंगी, या फिर फॉर द वेरी 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 फ्रेशर्स $10 ही कोट करो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हमें. ठीक है, कोई नहीं, अगर इसका 20% जो है अपवर्क फी चली जाएगी, दैट वुड बी लाइक $2, तो आपको $8 एन आवर आएगा. तो फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम ये अच्छा है, बेटर है. ठीक है, अपन इसको इतना रखेंगे, तो अभी के लिए मैं इसको 15 कर रही हूँ. ठीक है, ये करने के बाद में अब आपको कवर लेटर लिखना है. कवर लेटर मतलब यहाँ पर आप उनको एक्सप्लेन करोगे कि पहली चीज़ आप कौन हो. ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखना, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है आप कौन हो, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने जॉब प्रोवाइड करी है उसके लिए आप क्या सोचते हो, क्या आप कर सकते हो इनके लिए, और फोर्थ पॉइंट क्या आपके पास वो काम करने की स्किल है, और लास्ट में कॉल टू एक्शन कि भाई कॉन्टेक्ट मी या फिर समथिंग लाइक दैट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद यू, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको अपने बारे में बताइए कि भाई आई एम अ यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट. ठीक है, जैसे इस जॉब के लिए मैं बात करूंगी, आई एम अ यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट, आई हैव हेल्प्ड मेनी चैनल्स टू ग्रो. कुछ आप यहाँ पर एग्जांपल्स भी दे सकते हो, जैसे कि आपका, वैसे तो आपके पोर्टफोलियो वाले पार्ट में आपको डेफिनेटली कुछ अपनी फाइल्स, कुछ अपने स्क्रीनशॉट्स, कुछ अपनी पिक्चर्स, पोर्टफोलियो डेफिनेटली आपको अपलोड करना है. लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई ये XYZ मतलब ये कुछ 4-5 चैनल्स हैं, उनके आप नाम दे सकते हो, भाई इनके साथ मैंने काम किया है और अभी आप इनकी ग्रोथ देख सकते हो XYZ. और फिर ये आपको कवर लेटर एक बढ़िया सा बना के इनको क्लाइंट को भेजना है. और यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका कवर लेटर अलाइन होना चाहिए. मतलब हर क्लाइंट को अलग अलग कवर लेटर जाएगा डिपेंडिंग ऑन देयर जॉब. ठीक है, ये हम गलती करते हैं भाई, एक कवर लेटर बना के कॉपी पेस्ट करके रख लिया नोट पैड पर, अब हर क्लाइंट के लिए हम एक कवर लेटर डाल रहे हैं, ये गलती नहीं करनी है. क्लाइंट की जो नीड है आप एक्सप्लेन करो कि भाई हाँ मैंने ये सेम काम किया हुआ है, इसमें मैंने क्लाइंट्स को ये ग्रोथ दी है और अब मैं आपके लिए भी ये काम करके आपको ग्रोथ देना चाहता हूँ. तो इस तरह से आपको अपना कवर लेटर हर क्लाइंट के लिए अलग तरीके से कस्टमाइज करना है. तो चलिए जल्दी से यहाँ पर कवर लेटर लिख लेते हैं. ओके गाइस, तो ये मैंने एक सैंपल कवर लेटर आपके लिए लिखा है. सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई हैव लाइक 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग एंड आई हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन इंक्रीजिंग यूट्यूब ट्रैफिक एंड कन्वर्जन. उसके बाद में स्किल्स वगैरह के बारे में लिखा है. फिर उसके बाद में मैंने लिखा है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना मुझसे, कि क्लाइंट जो मुझसे करवाना चाहता है काम, वो मैंने लिखा है कि भाई जो आप मुझसे काम करवाना चाहते हो ये ऑलरेडी मेरे पास इस चीज का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए कर चुका हूँ. एक मैंने यहाँ पर सैंपल आपके लिए लिखा है कि XYZ मेरा क्लाइंट है, यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल का जैसे नाम लिख सकते हो या फिर जिस भी क्लाइंट के लिए आपने काम किया है वो आप लिख सकते हो. आप यहाँ पर जैसे मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उस वेबसाइट का URL आप यहाँ पर डालकर और उसका बता सकते हो कि भाई आप जाकर और चेक कर सकते हो एंड समथिंग लाइक दैट. तो मैंने यहाँ पर इस तरह से कुछ लिख दिया है. देन उसके बाद में फाइनली आपको लिखना है कि भाई मैं आपका काम खत्म कर दूंगा, ये वो, और इतना टाइम मुझे लगेगा ठीक है इस काम को खत्म करने में, वो भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर. ठीक है,
अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक काम है तो। उसके बाद में कुछ यहाँ पर अटैचमेंट्स हैं। अटैचमेंट मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जैसे वर्क सैंपल्स हो गए, कुछ किसी और क्लाइंट का कुछ एनालिटिक्स हो गया, वैसे वो देना एथिकल नहीं होता ऑब्वियसली बात है, बट आप कोई अपना वर्क सैंपल यहाँ पर डाल सकते हो। वैसे आपका जो पोर्टफोलियो वाला पार्ट है उसमें मेक श्योर करो कि आप अच्छा खासा डेटा फिट कर दो, क्योंकि कोई भी जो क्लाइंट है हमारा, उसको जब भी हमारी ये एप्लीकेशन मिलेगी, हमारी ये जो बिडिंग मिलेगी, तो सबसे पहले हमारी वो प्रोफाइल चेक करेगा। तो वहाँ पर मेक श्योर करो कि आपका पोर्टफोलियो एकदम अप टू डेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में बूस्ट योर प्रपोजल आ रहा है कि भाई जो आपका प्रपोजल है ना वो आपको बूस्ट कर सकते हो, कि भाई अगर आप फर्स्ट प्लेस पर लाना चाहते हो, मतलब बहुत सारी बिडिंग आई होगी, जैसे मान लो मैं क्लाइंट हूँ, मैंने कोई सर्विस लिस्ट करी, मेरे को बहुत सारी बिडिंग आई, जैसे 50 बिडिंग आई हुई है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो बिडिंग है वो फर्स्ट प्लेस पर आए, तो 7 कनेक्ट्स आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो, मतलब ये बिडिंग कर सकते हो। इसके चांसेस ये नहीं है कि वो पर्सन आपको हायर ही कर लेगा, लेकिन हाँ फर्स्ट प्लेस पर आपकी बिडिंग जो है दिखेगी, ठीक है, इस तरह से। तो अभी मैं इसको जो है वो नहीं कर रही हूँ, और सेंड फॉर 6 कनेक्ट्स पर आप क्लिक करोगे और ये बिडिंग आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद में हमारी ये बिडिंग यहाँ पर चली जाएगी। अभी ऑब्वियसली बात है ये मैं भेज नहीं सकती, क्योंकि वो क्लाइंट के पास मेरी बिडिंग चली जाएगी, तो और मेरे कनेक्ट्स भी वेस्ट हो जाएंगे, तो अभी मैं इसको नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि ये जस्ट मैंने एक सैंपल अकाउंट बनाया है आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। उसी के साथ में जब आपकी बिडिंग सेट हो जाएगी, तो ये माय जॉब्स वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पर आपके जो एक्टिवली आप जिस पर काम कर रहे हो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। जैसे मान लो अगर वो पर्सन मेरी बिडिंग को एक्सेप्ट कर लेता है, मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो भी टाइम पीरियड आपने अपने क्लाइंट को प्रॉमिस किया है वो यहाँ पर डेडलाइन की तरह यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आप अर्न करोगे यहाँ पर आ जाएगा अवेलेबल अर्निंग में। उसी के साथ में यहाँ पर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, जिन पर इवन आपने यहाँ पर सारे आपके एक्टिव एज वेल एज पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर सारे आ जाएंगे, और आप अपना पूरा जो कह सकते हो लेखा जोखा जो है, मतलब बिल्कुल जो आपके अकाउंट्स हैं वो आप माय स्टैट्स में जाकर देख सकते हो, ठीक है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी, कि आपका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन कैसा रहा है, टाइम आपने टाइम पर कितना कंप्लीट किया है, ठीक है। उसी के साथ में आपकी क्वालिटी प्रोफाइल कितनी है, उसी के साथ में ये भी आ जाएगा कि भाई अभी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है एकदम, तो आप यहाँ पर अपने लिंक्ड अकाउंट्स कुछ कर सकते हो, जैसे भाई सोशल मीडिया प्रोफाइल वगैरह जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से मेक श्योर करो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को जो है अप्रोच करो। आई विश यू लक कि अपवर्क से आप बहुत सारा पैसा कमाएं, आपकी जो स्किल्स हैं उनका यूज़ करके आप अपनी फैमिली को फीड कर पाएं। आई विश सभी अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर पाएं, एंड आई विश यू लक। बाकी ये कंप्लीट कोर्स चल रहा है फ्रीलांसिंग का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो, सारी वीडियोस देखो, बिकॉज यू नेवर नो कौन से प्लेटफॉर्म से आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो सभी प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई करो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।